हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख सकते हैं मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं वेट कर रही हूँ गणपति जी का। पापा और पंकज गए हैं दोनों गणपति लेने और मैंने ऑलमोस्ट सारे सभी जो है काम कर लिए हैं। थोड़ा सा डेकोरेशन बाकी है और थोड़ा खाना बाकी है, तो मैंने आधा बना लिया। अब मॉम थोड़ा बना रही है एंड उसके बाद फिर हम पूजा करेंगे और फिर धीरे धीरे जो है वो गणपति की स्थापना करेंगे। चलिए आइए देखते हैं घर के अंदर क्या हो रहा है। सो ये देखिए फ्रेंड्स, घर में पूरा मैस हो रखा है, इतने ज्यादा काम है। कोई किचन में काम कर रहा है, कोई डेकोरेशन में हेल्प कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सारा सब सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। ये जो है मैं गणपति जी का वेट कर रही हूँ, तो ये मैंने प्लेट जो है रेडी करके रखी है ताकि जैसे ही वो आए तो फिर फटाफट पूजा करके जो है हम लोग गणपति जी को अंदर ले लेंगे। ये फ्लावर्स है कुछ, ये देखिए आपको मैं थोड़ा सा डेकोरेशन दिखा देती हूँ कि इस तरह से जो है हम लोगों ने करा है। अभी भी लाइटिंग्स वगैरह जो है वो लगानी बाकी है। तो गणपति का दिन जो होता है वो ऐसे ही है, पूरा दिन मतलब चलते ही रहता है कुछ ना कुछ। फाइनली फिर जब एक बार स्थापना हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। अब भी लेकर चलती हूँ आपको किचन में। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत ज्यादा मेस पड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट खाना तो रेडी है जैसे कि मैंने बताया। और ये है गुज्जू दाल, ये मेरी सबसे फेवरेट दाल है, मुझे बहुत पसंद है। इसकी रेसिपी जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे बनती है, तो आपको पता चलेगा। तो चलिए ओके। तो हमने कैसे तो भी डेकोरेशन सेट कर दिया है, पापा जो आके हैं वो फाइनल टच देंगे इसको। ये पापा और पंकज आ गए हैं शॉपिंग करने गणपति जी की। देखते हैं कौन सा गणपति ये लाएंगे। ये देखो ये पापा सिलेक्ट कर रहे हैं और हमसे फोन पे बात कर रहे हैं, हमें फोटो वोटो भेज रहे हैं गणपति जी की। वहां पे आप देख सकते हैं दो तीन गणपति, वही फोटोज उन्होंने हमें भेजी थी, तो हमने बोला कि नहीं वो नहीं चाहिए, सेम डेकोरेशन एंड गणपति जी सेम हो जाएंगे। तो बाद में आप देख ही सकते हैं कि हम लोगों ने जो है वो कौन सा गणपति जी सिलेक्ट करा है। सो यस, दैट यू कैन सी इन डैडीज हैंड, ग्रीन वन, इट्स ब्यूटिफुल। क्या गणपति अप्पा, सकते हैं कि आई एम डन विथ मेकिंग रंगोली। ये देखिए इस तरह से कुछ बनी है।
सो वेल, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बनाने में रंगोली, तो ठीक ठाक बनी है, अच्छी बनी है, बट एनीवेज आई ऑलवेज लव टू मेक रंगोली ऑन ओकेजन्स, फेस्टिवल्स, एंड आई मेक श्योर आई मेक इट गुड, बट आई ऑलवेज कॉपी. मैं हमेशा गूगल से यू नो सर्च करती हूँ, देखती हूँ और सेम वैसे बनाती हूँ. मैं खुद की कभी कोई रंगोली नहीं बनाती हूँ. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. आज मैं बहुत थक गई हूँ, आवाज़ इतनी ज़्यादा क्लियर आ नहीं रही है क्योंकि कल भी फास्ट था हड़ताली का और आज भी, और मेरा थर्सडे का भी होता है तो, और कंटिन्यूस फेस्टिवल्स थे, ओकेजन थे, तो काफ़ी थकावट अभी महसूस हो रही है. खाना हो गया है हम लोग का और कुछ ही देर में जो है फिर हम लोग गणपति की स्थापना करेंगे. ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है, तो चलिए फिर चलते हैं अंदर. सो फाइनली फ्रेंड्स, इस तरह से जो है हम लोगों ने करी गणपति जी की स्थापना, फिर बाद में हम लोगों ने खींची थोड़ी सी फोटो शोटो, एंड देन उसके बाद चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा फोटो फोटो खींचने के बाद कि हम लोगों ने आखिर नैवेद्य क्या बनाया था, क्या खाना खाया है. सो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये बनाना शीरा है, रोटी है, सब्जी है, छाछ है, गवार की सब्जी है, नमक, चावल और गुज्जू वाली दाल. तो ऐसा जो है खाना पूरा हम लोगों ने नैवेद्य बनाया और फिर उसके बाद खाना खाया. बहुत ही यम टेस्टी खाना बना था. आपको मैं दिखाऊंगी गुज्जू दाल की रेसिपी जल्दी ही. अब सारा सब काम होने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कुछ कर रही हूँ, तो जब से गणपति जी बैठते हैं और उठने तक के जो है डे 1 to day 11 तक मैं श्री गणेशाय नमः 108 टाइम्स लिखती हूँ सुबह शाम का, 2 टाइम ऐसे.
तो अभी मेरा काम स्टार्ट हो गया है, तो आज फर्स्ट डे है तो मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है प्लीज गाइस सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गणपति बाप्पा मोरिया, सी या सून, टेक केयर, बाय बाय।